Dear students, this is my second video for writing an application for leave. So today I am going to tell you that how an application is to be written for half day leave. मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ कि हाफ डे लीव के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन, यू जस्ट रीड इट. Write an application to your principal for taking half days leave. आप लोगों को half days लेने के लिए, half day leave लेने के लिए, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है. So first of all you have to draw a margin in your copy. देखिए आप लोगों को margin कॉपी के दोनों तरफ बनाना है. margin इसमें जैसे कि draw करके दिखाया गया है. After that आप लोगों को लिखना है to the principal, government high school, पचगवा. सो यहाँ पे देखिए आप टू, टी शुड बी इन कैपिटल, देन टू के बाद आपको कॉमा लगाना है, देन टी द प्रिंसिपल, द टी यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है, देखिए द में प्रिंसिपल, पी की कैपिटल लिखा हुआ. क्यों? वाई पी इज रिटन इन कैपिटल, बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ द पोस्ट. या हम किसी का भी पोस्ट हो, किसी भी पोस्ट को भी पोस्ट हो, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल में ही लिखा जाता है. इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, ओके, या फिर द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल, ठीक है? तो इसमें आपको, तो इसमें हेड मास्टर में एच कैपिटल रहेगा, कलेक्टर में सी कैपिटल रहेगा, प्राइम मिनिस्टर में पी कैपिटल रहेगा. गवर्नमेंट हाई स्कूल, तो गवर्नमेंट में आप जी कैपिटल लिखिए, हाई स्कूल में आपका हाई हाई और स्कूल में एस कैपिटल लिखेंगे आप, कॉमा लगा दीजिएगा. और उसके बाद आपके जगह का नाम लिखिएगा, प्लेस नेम, ठीक है? तो जैसे पचगवा एक जगह का नाम है ना, तो वहाँ पे उसके बाद स्टेट का नाम लिखिएगा. जैसे यहाँ पे मैं सीजी लिखा हुआ हूँ, सीजी मीन्स छत्तीसगढ़. सब्जेक्ट लिखिएगा, सब्जेक्ट में एस कैपिटल यू हैव टू राइट डाउन हियर, एंड देन एप्लीकेशन फॉर लीव ए कैपिटल शुड बी देयर. तो ये क्यों, ये क्योंकि इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है? तो एप्लीकेशन में एक कैपिटल लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर लीव, देन सर एस शुड बी कैपिटल हियर. आप लोग चाहें तो रेस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं. वैसे सर इज ऑलवेज रेस्पेक्टेड, सर हमेशा रेस्पेक्टेड होते हैं. तो आजकल सर केवल सर ही, सर भी लिख देते हो तो कोई इसमें मिस्टेक नहीं है, ठीक है? एस एस इज अ कैपिटल हियर. नेक्स्ट विथ ड्यू रेस्पेक्ट, विथ विथ में डब्ल्यू आप कैपिटल लिखेंगे. With due respect, I beg to say that, इसमें I देखे, I को small बीच में कभी भी मत लिखेगा, है ना? सो बहुत से बच्चे लोग मिस्टेक कर जाते हैं यहाँ पे. तो I beg to say that I have an urgent work at my home. देखो तो आप देख, आपके यहाँ beg, beg की spelling B-A-G, bag नहीं लिखना है आपको, उसको bag बोलते हैं. bag means थैला, जैसे school bag हो गया, है ना, market bag हो गया. तो यहाँ beg आ गया, beg means प्रार्थना करना, विनती करना, ठीक है? आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट माई होम, सो आई कैन नॉट अटेंड द रेस्ट ऑफ द पीरियड्स, मैं बचे हुए पीरियड्स को अटेंड नहीं कर सकता. काइंडली ग्रांट मी हाफ डेज लीव, तो मुझे हाफ डे लीव देने की कृपा करें, ग्रांट करें, ठीक है? थैंक यू लिखिएगा, कॉमा लगाइएगा, योर्स ओबीडियंटली, ठीक, एपोस्ट्रॉफी एस योर से मत लगाना आप लोग, डोंट पुट एपोस्ट्रॉफी एस, ओके? सो योर्स ओबीडियंटली, ओबीडियंटली स्पेलिंग लर्न कीजिएगा. हाउ टू लर्न द स्पेलिंग ओबीडियंटली, ओ बी ई डी आई ई एन टी एल वाई, ओबीडियंटली. नेम, नेम आप अपना अपना नाम लिखिएगा, यू हैव टू राइट डाउन योर नेम. फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन हियर एक्स वाई जेड, मैं, और क्लास, क्लास डाल दीजिएगा. क्लास के बाद नीचे में आप लोग डेट डाल दीजिएगा, जो भी आज का डेट है. जैसे आज का डेट 18 जुलाई 2020, तो आप लीजिएगा. उसके बाद अब आप लोग, तो क्या एक ही रीजन तो नहीं हो सकता आपके हाफ डे लेने के लिए? देयर मे बी डिफरेंट रीजन्स, है ना? बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं. तो उनमें से मैं आप लोगों को कुछ कारण बता रहा हूँ, ठीक है? लेट्स सी नाउ अनदर रीजन्स, हाउ कैन यू राइट. देखिए अब आप लोग, जैसे विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बेग टू से दैट, आप वहाँ पे लिख सकते हैं आप आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल, मैं, मुझे बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा है. तो आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट माई होम की जगह में आप क्या लिख देंगे,
आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल, ठीक, बाकी एज इट इज़ लिख दीजिए, सो आई कैन नॉट अटेंड द रेस्ट ऑफ द पीरियड, बाकी पूरा लिख देना है आपको। नेक्स्ट नाउ आप और क्या लिख सकते हैं, आई एम नॉट सफरिंग, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, कफ एंड फीवर, आप ये भी लिख सकते हैं, है ना, मैं जो है मुझे बुखार, सर्दी बुखार और खांसी है, ठीक है, तो वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट रीजन और क्या दिखा सकते हैं आप लोग, आई हैव टू गो टू राशन शॉप फॉर टेकिंग राइस, आप लोग जनरली देखे होंगे कि आप लोग राशन दुकान जाते हैं, सोसाइटी जाते हैं चावल लेने के लिए, तो आप लोग ये भी रीजन दिखा सकते हैं, ठीक है, तो और उसके बाद और भी रीजन अगर आपको बताना हो तो देयर इज अ रिलीजियस सेरेमनी एट माई होम, मेरे घर में धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है जिसके कारण मैं स्कूल हाफ डे छुट्टी देने की कृपा करें, ठीक, तो मैं आपको रीजन्स में आपको बताता हूँ, देखिए ये आपको रीजन्स में आप लोगों के लिए लिख के रखा हूँ, देखिए रीजन्स फॉर टेकिंग लीव, आई एम नॉट फीलिंग वेल एट ऑल, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड कफ एंड फीवर, आई हैव टू गो टू राशन शॉप फॉर टेकिंग राइस, फोर्थ रीजन आई हैव रिटन हियर फॉर यू, देयर इज अ रिलीजियस सेरेमनी एट माई होम, और भी बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं आपके, ठीक है, तो आपको वो लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, और अगर स्टिल इफ़ यू विल फेस एनी प्रॉब्लम एट द टाइम ऑफ राइटिंग एनी काइंड ऑफ रीजन देन यू मे इमीजिएटली कॉन्टेक्ट मी, ओके, अंडरस्टूड, ओके, सो दैट्स फॉर टुडे क्लास ओनली, ओके, सो गुड बाय।